अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आलिया अली और एक नया व्लॉग आप लोगों के सामने पेश खिदमत है। जल्दी जल्दी भागते भागते मैंने सोचा पाकिस्तान जाने से पहले पहले आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर दूं कि मैं कब जा रही हूँ। ये है इसकी डिटेल, टिकट्स वगैरह सब कुछ इसमें है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैं कब जा रही हूँ और क्या डेट कन्फर्म है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ मैं। ये है जी, आज से कोई 2 दिन पहले के ये वाला क्लिप जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पहले हमें ये पता था कि 30 kg जो वेट है ना वो अलाउ है, वज़न आप लेके जा सकते हो लगेज में। तो एक ये बड़े वाला जो बैग था ना, इसी को मैंने सोचा था पहले मैं लेके जाऊँगी, और उसके अलावा कोई दूसरा बैग जो है ना वो नहीं लेके जाऊँगी, बाकी जो हैंड कैरी है वो लेके जाएंगे। देन फिर क्या हुआ जी, जब हमारी टिकट हुई और पता चला कि 40 kg तक जो वेट है ना वो अलाउ है, आप लेके जा सकते हैं, और 10 kg हंजरा का अलाउ है, मतलब बच्चे का भी आप लेके जा सकते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा सामान एक बैग में वैसे भी कैरी नहीं हो रहा था, तो फिर अदनान ने कहा कि इनको 2 बैग में कर लो और एक हंजरा का डेफिनेटली वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब वही चल रहा था फिलहाल। जब ये मैं तैयार कर रही थी, एक ही बैग जब मुझे पता था लेके जाना है, तो बहुत टेंशन में थी। अब कुछ जो चीज़ें थी ना वो मैंने फिर सेपरेट कर दी थी कि जब बाद में जब आएंगे तो फिर ले आएंगे। फिलहाल जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़रूरत का जो सामान है वो ले जाते हैं। वैसे तो आप अलग से ज़्यादा सामान भी लेके जा सकते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लगते हैं, बट इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम बाद बाकी सबने भी आना था, तो इसलिए थोड़ा सा जो सामान है ना वो ज़रूरी ज़रूरी जो था वो मैंने इसमें रख लिया। और यहाँ पे हंजला फुल जो था ना, एक चीज़ मैं रखती थी ये निकाल के बाहर फेंक देता था, कभी मुझे एक जूते का एक पेयर नहीं मिलता था। अभी भी कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हैं, ये हंजला ने ही फेंकी हुई है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो कि मैं हंजला को बाहर लेके आती हूँ। मोस्टली मैं ले आती थी धूप के लिए क्योंकि वीकेंड पे तो अदनान के साथ आ रहे थे, बट बाकी दिनों में भी लवाही रह जाते थे। वो यहाँ पे अपना प्ले एरिया इंजॉय करता था और मैं भी बैठ जाती थी यहाँ पे। तो बाकी इंशाल्लाह धूप जो नेक्स्ट है वो पाकिस्तान जाके ही इंजॉय करेंगे। ये लास्ट क्लिप था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। अच्छा जी, ये मेरे बेटे का ना फेवरेट काम है, जूतों के साथ तो ना मेरे बेटे को पता नहीं कोई खास किस्म का लगाव है। मुझे लगता है मुझे तो जूतों का ही कारोबार सोचना पड़ेगा। सारा दिन मेरा बेटा इसके ऊपर इनका वजन करता है, जूते उठा के कभी किसी के कहाँ ले जाता है, कभी कहाँ ले जाता है, और अपना एक जूता पहना हुआ है और एक है नहीं। ओके जनाब, अब ये है जी वीकेंड का ब्लॉग जो कि कल का है और आज मैं एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब डिसाइड किया था कि ये हमारे पास 4 बैग हैं टोटल, और इनको क्या करना है, एक बैग जो है वो मैं यही छोड़ के जाऊंगी, बाकी के जो 3 बैग है ना वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और यहाँ पे हम यही डिसाइड कर रहे थे कि मैं जो है एक हैंड कैरी लेके जाऊंगी और 2 लगेज लेके जाऊंगी। फिर हमने डिसाइड किया कि जो तीसरा हैंड कैरी है वो भी लगेज में ही डाल देंगे, क्योंकि हंजरा को भी मुझे फिर लेके जाना है, स्ट्रॉलर भी होगा और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊंगी। इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इस बैग में डालेंगे, बड़े वाले में, वो अदनान बाद में ले आएंगे। बाकी के जो बैग हैं ना ये तीनों, ये मैं लेके जाऊंगी। तो अभी इनमें करनी थी जी सेटिंग वेटिंग करनी है, सारा सामान अभी रखना था, इसके अंदर कुछ भी नहीं, अभी बिल्कुल खाली थे। अभी मैंने जो बड़े वाला बैग है ना अपने हिसाब से मैंने उसमें रख दी थी चीज़ें, बट अभी उनको दोबारा से रीअरेंज करना है, इन बैग में दूसरे बैग में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, मेरा जो सामान है ना हमेशा ज़्यादा हो जाता है, जब भी मुझे, मैं जब पाकिस्तान से, मुझे अभी भी याद है पाकिस्तान से जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, एक तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना आप सामान लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी। सब लोग चले गए थे, सिर्फ हमारा वेट हो रहा था, क्यों, क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा हो गया था और उन्होंने कहा था इसको निकालो, फिर ऐसे है वैसे है। और मैं जब पाकिस्तान से आई थी, मैं पता नहीं वो चीज़ें भी लेके आई थी जो कि ज़रूरत भी नहीं थी, मैं अपनी बुक्स भी उठा लाई थी, और ऐसे जैसे यहाँ आके मैंने कोई न्यूटन बनना है पता नहीं मैं क्या क्या चीज़ें उठा के ले आई थी। बट अब वो जो मैं ले आई थी, अब ये उसी का भी फिलहाल खमियाजा भुगत रही हूँ। अब थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ किसी काम की कोई चीज़ काम की नहीं होती, और बच्चे के बाद किताबें, अल्लाह हू अकबर, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो पता नहीं बेचारियों को खोल के भी नहीं देखा कि वो अंदर से हैं कैसी, एक दो ही मैंने स्टार्टिंग में रीड की होंगी, उस बाकी तो मैंने देखी भी नहीं।
तो जी हमेशा जब भी आप सफ़र करें, जो कि नसीहत है बड़ों की कि जब भी अगर आपने सफ़र एंजॉय करना हो तो अपने साथ जो सामान है ना वो कम से कम रखें। जितना सामान कम होगा उतना ही ज़्यादा आप सफ़र को एंजॉय करेंगे, वरना आप सामान ही इधर से उधर उधर से इधर करते रहेंगे। अभी हम पैकिंग करने लगे तो फिर अदनान को एकदम याद आया कि पहले खजूरें ले आते हैं, बाद में फिर वो उनकी अलग टेंशन रहेगी। खजूरें वगैरह लेके तो फिर रात में अच्छी तरह से उसकी जो पैकिंग है वो रख करके रिलैक्स होके सो जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ खजूर मार्केट आए थे, हम दमाम में यहाँ पे खजूर मार्केट है, यहाँ से बहुत अच्छी फ्रेश खजूरें मिलती हैं, हर किस्म की यहाँ से खजूरें मिल जाती हैं। पेस्ट मिल जाता है खजूरों का, अजवा खजूर है, मबरूम, पता नहीं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की, सुकरी, इतनी टाइप की यहाँ पे खजूरें हैं। पेस्ट अलग से हैं और कप केक्स अलग से हैं, यहाँ पे अंजीर हैं और भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह भी हैं इनके पास। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ना ये लगती है कि अगर आपके साथ बच्चा हो ना, सऊदी अरब में खासकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम यहाँ पे एंटर हुए इस ये वाली जो शॉप है ना, हम मोस्टली यहीं से खजूरें वगैरह लेके जाते हैं। और जब हम यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले ये जो अंकल है इन्होंने कहवा दिया, अभी अदनान ने भी पकड़ा हुआ, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बार बार सर्व कर रहा था, ले लो, मुझे भी दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता सऊदी का, आई डोंट लाइक खजूरें। और उन्होंने दी पानी की बोतल हमें दी, और उसके बाद उन्होंने कपकेक्स होते हैं वो दिए। तो ये चीज़ बच्चों, खासकर वो जो बच्चों को में ना ये बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं, ये चीज़ें सऊदी अरब में मुझे इंतहा की अच्छी लगती हैं। और ये जी थोड़ा सा मैंने यहाँ से ज़ाफ़रान लिया, इसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई ये किसी नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। ये बिल्कुल प्योर खालिस ज़ाफ़रान है, इसमें भी टाइप्स हैं, नकली भी है, एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, तो वो बाद की बात है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ अपने चक्करों में थे जी, हमारी ये लास्ट 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 शॉपिंग थी जो कि खजूरों की रह गई थी। अब जाके हम लोगों ने आज रात को ही पैकिंग करनी है लाजमी। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस और करने लगे हैं पैकिंग, क्योंकि कल अदनान फिर ऑफिस चले जाएंगे और फिर हमने निकलना भी है, कब निकलना है वो भी अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे, खजूरें वगैरह जो लेके आए थे, बाकी जो कपड़े वगैरह चीज़ें थी जो दूसरी थी वो बैग भी तैयार हो गया, हंजला का जो बैग था वो भी मैंने तैयार कर लिया। और ये इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें जो थोड़ी बहुत रह गई थी, खजूरें थी, एक आध चीज़ और जो थी वो जो रखना था इसमें वो भी इसमें रख के, तो फाइनल क्या हुआ, हमारा जो बैग है ना वो तैयार हो गया। अब यहाँ पे अदनान क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वेट करना घर पे ना लाजमी, आप लोगों को भी एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूं, घर से ही आप अपना वज़न करके जाएं, वरना एयरपोर्ट पे जब आप जाके वेट करते हैं ना तो सामान अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम ज़्यादा करवाओ अगर, या तो फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करो, और वरना अलाउ नहीं करते ना, आपकी टिकट के ऊपर होता है कि आप कितना आपका वेट है, कितना नहीं है लगेज में, आप कितना लेके जा सकते हैं। तो बेहतर है आप घर से ही अपना जो लगेज में आपके जो जाएगा जो हैंड कैरी में होगा तो वो आप घर पे ही करके लेके जाएं, ताकि वहाँ जाके एयरपोर्ट पे जाके आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, वरना बहुत ज़्यादा खवारी अलग से होती है। और रैपिंग वगैरह जो है वो भी यहीं पे घर पे ही कर लेते हैं, रैपिंग जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे इनकी रैपिंग भी करेंगे, बट अभी रात को सारा जो है ना ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये तीन बैग हैं, एक हंजला का है, दो मेरे हैं, एक मजीद हंजला का, वो तो मेरे साथ जाएगा। ओके जनाब, फाइनली अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारी जो टिकट है, कन्फर्म हुई है जी 4 तारीख की, यानी कि कल यहाँ से सऊदी अरब से हमारी छुट्टी, बाय बाय टाटा को बोल देंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हम लोग रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। फ़्लाइट हमारी है यहाँ से 4 तारीख को ऑलमोस्ट रात के, हम 8:30 बजे तक यहाँ से निकलेंगे, 12:30 की फ़्लाइट है। यहाँ पे सब सारी जो डिटेल है ना ये मेंशन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी और हंजला की यहाँ पे टिकट्स हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि 40 kg अलाउ है, 10 kg बैग हंजला का, इस यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, आगे टिकट में लिखा हुआ है कि इतना बच्चे का भी अलाउ है। और इकोनॉमी क्लास है, PIA जहाज़ से हम लोग जा रहे हैं, और उसका भी नंबर लिखा हुआ है। इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में हम लोग सुबह इंशाल्लाह ताला फजर के टाइम हमारी लैंडिंग होगी। तो जी ये था आज का व्लॉग, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपने, कि अल्लाह ताला हमें वहाँ खैर वाफिया से पहुँचाए। बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ पाकिस्तान जाके मैं शेयर करूँगी, अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।